अयोध्या के सरयू घाट पर 15 लाख दिए किए जाएंगे रोशन। दिवाली की मां कबल शाम वजीर आजम मोदी करेंगे राम लल्ला के दर्शन। पहली मर्तबा दीप उत्सव में भी करेंगे शिरकत। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल का भी करेंगे मुआयना। मुल्क भर में जोश खरोश से मनाया जा रहा है छोटी दिवाली का त्यौहार। दिवाली के जश्न में डूबा पूरा मुल्क। पुरानी रिवायती अकीदे में भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का किया था कत्ल। कमर्शियल मिशन की सिमत इसरो का बड़ा कदम। बाहुबली रॉकेट 36 सैटेलाइट्स किया लॉन्च। रॉकेट LVM3 से 36 सीआरजे किए गए लॉन्च। मुल्क की सतह पर आज मनाया जा रहा है 7वां आयुर्वेद दिवस। इस साल का आयुर्वेद दिवस का मौजू है हर दिन हर घर आयुर्वेद। इस दिवस का मकसद लोगों को आयुर्वेद के फवाइद से वाकिफ कराना। रूस के मुसलसल हमलों से यूक्रेन में बिजली सप्लाई में खलल। मुतादित मकामात पर बिजली का बहरान जारी। सदर ज़ेलेंस्की की हमवतनों से कम अज़ कम बिजली के इस्तेमाल की अपील। खेलों में मेलबर्न में ICC मर्द T20 आर्मी कप मुकाबले जारी। सुपर 12 में ग्रुप 2 के 16वें मैच में भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुकाबला आज। टूर्नामेंट में पहली मर्तबा होंगी दोनों टीमें आमने सामने। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नज़र डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। पूरा मुल्क दिवाली की रोशनी से जगमगा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दिवाली की तकरीब में हिस्सा लेने के लिए आज भगवान श्री राम की जाय पैदाइश अयोध्या शहर पहुंच रहे हैं। वज़ीर आज़म शाम तकरीबन 5 बजे भगवान श्री राम लल्ला का दर्शन और पूजा करेंगे, जिसके बाद वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल का मुआयना करेंगे। बाद में तकरीबन शाम 6:30 बजे वज़ीर आज़म सरयू नदी के नए घाट पर आरती देखेंगे, जिसके बाद वज़ीर आज़म के ज़रिए दीप उत्सव की अज़ीम शान तकरीबात की शुरुआत की जाएगी। इस साल दीप उत्सव के 6ठे एडिशन का एहतमाम किया जा रहा है और ये पहला मौका है कि वज़ीर आज़म ज़ाती तौर पर इस तकरीब में शिरकत करेंगे। इस मौके पर 15 लाख से ज़्यादा दिए भी रोशन किए जाएंगे। दीप उत्सव के दौरान मुख्तलिफ रियासतों के मुख्तलिफ रक्स की शक्लों के साथ 5 एनिमेटेड झांकियां और 11 रामलीला झांकियों की नुमाइश की जाएगी। वज़ीर आज़म एक अजीम शान म्यूज़िकल लेज़र शो के साथ साथ दरियाए सरयू के किनारे राम की पाड़ी में 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शन मैपिंग शो भी देखेंगे। और भगवान श्री राम की जय पैदाइश अयोध्या अजीम शान दीप उत्सव के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज इस तारीखी दीप उत्सव में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करेंगे। इस मौके पर अयोध्या में सरयू के किनारे 15 लाख से ज़्यादा दिए रोशन करते हुए एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे विकास सिंह ने तैयारियों का जायज़ा लिया और लोगों से इस सिलसिले में बातचीत की। भव्य दीप उत्सव की तैयारी में दुल्हन की तरह सज गई है अयोध्या। हम हैं राम की पैड़ी में। यहाँ पर 17 लाख दिए लगाए गए हैं। कल प्रधानमंत्री की मौजूदगी में दिव्य और भव्य दीपोत्सव का आयोजन यहाँ होगा। पूरी अयोध्या दीपकों के रोशनी से नहा जाएगी। घाटों को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है। यहाँ पर 37 घाटों पे 22,000 वॉलेंटियर लगातार मेहनत कर रहे हैं और दिया बिछाने का काम यहाँ पर लगभग पूरा हो गया है। अवध विश्वविद्यालय के कुलपति जी हमारे साथ हैं। इस पूरे कार्यक्रम को किस तरीके से आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है? इस बार रिकॉर्ड बड़ा है, 17 लाख दिए जलेंगे इस बार राम की पैड़ी पे। कितनी मेहनत हुई? बहुत मेहनत हुई। हमारी बहुत सशक्त टीम है। हमारे जो अजय जी है नोडल ऑफिसर और हमारे जो पूरी टीम है बहुत सशक्त है। और लगभग 22,000 विद्यार्थी है। लगभग ये मान के चलिए कि 300-400 शिक्षक और हमारे सारे लोग लगे हुए हैं। साथ में जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग सब लोग मिल करके कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा आयोजन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है। और इस वर्ष हम लोग 17 लाख का जो लक्ष्य है वो डेफिनेटली प्राप्त करेंगे और आश्वस्त हैं कि हम वो लक्ष्य जरूर प्राप्त करेंगे। उनके आ जाने से पूरा अयोध्या और हम लोग गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि उनके सामने हम लोग रिकॉर्ड बनाएंगे।
प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं तो उसके लिए भी काफी उत्साहित हैं हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं और सभी वॉलंटियर एक अलग ही उत्साह से लगे हुए हैं ताकि ये दीपोत्सव का जो कार्यक्रम है बहुत ही अच्छे से संपन्न हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कल यहाँ 17 लाख दिए प्रज्वलित होंगे। त्रेता की आभा दिखेगी कल यहाँ पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में, और उनकी मौजूदगी यहाँ पर लोगों में दुगना उत्साह भी लिए हुए है। लगातार दिन रात मेहनत कर रहे वॉलंटियरों के चेहरे पर अभी भी मुस्कान है और इनकी ये मेहनत सफल होगी कल यहाँ शाम को जब 17 लाख दिए एक साथ प्रज्वलित होंगे। रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या। अयोध्या के तमाम बाशिंदों में भी दीप उत्सव को लेकर जबरदस्त जोश खरोश देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं अयोध्या। अयोध्या एक भव्य तीर्थ स्थल बनाया गया है और पहले था और हमेशा रहेगा, और ये जो है पर्यटन स्थल भी है। ये यहाँ जो है लोगों में उत्साह जागृत हो रही है, एक लालसा जागृत हो रही है कि हम लोग प्रधानमंत्री को देख करके उत्साहित होंगे। दीपोत्सव लगातार आयोजित किया जा रहा है जिसको राष्ट्रीय मेला भी बनाया गया है। इस बार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो अयोध्या की जनता में एक अलग उत्साह है। बहुत अच्छा लग रहा है प्रधानमंत्री जी का आना यहाँ जो है पूरे अयोध्या वासियों के साथ साथ पूरे आसपास के लोगों के लिए जो है बड़े ही हर्ष का विषय है। हम सबको यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये यहाँ पे कोई 25 लाख दिए जलाने वाले हैं कल, और मोदी जी भी आ रहे हैं कल। प्रधानमंत्री आ रहे हैं साहब, बहुत बढ़िया लग रहा, अच्छा भी लग रहा है, देखने भी मिल जाएगा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, दो चार साल से हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी का त्यौहार मुल्क भर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। भारत समेत दुनिया भर में आबादी भारतीय शहरी दीप उत्सव मना रहे हैं। छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्थी दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामी एक देव को मारकर हजारों खवातीन को उसकी कैद से आज़ाद कराया था, और दिवाली के मौके पर पटाखे जलाते हुए आपकी मामूली सी गलती आपकी खुशी को गम में तब्दील कर सकती है और आपको हमेशा के लिए माजूर भी बना सकती है। ख़ास तौर पर छोटे बच्चे पटाखे जलाने के दौरान लापरवाही बरतते हैं जिसकी वजह से बच्चों के जलने के वाकयात काफ़ी पेश आते हैं। इसी मौके पर हमारे नुमाइंदे नितेंद्र सिंह ने डॉक्टर मनीष सिंगल से खसूसी बातचीत की। खुशियों का त्यौहार है, इसे कैसे सुरक्षित मनाएं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है एम्स के बर्न एवं प्लास्टिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर मनीष सिंगल। सर, कई बार देखा जाता है कि दीपावली के वक्त थोड़ी सी लापरवाही गंभीर चूक बन जाती है, तो क्या करना चाहिए लोगों, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, दिवाली पे एक पटाखे जो एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि काफ़ी गंभीर इंजरी हो सकती है पटाखों से। जो पटाखे हम सेफ समझते हैं जैसे कि अनार और फूलझड़ी, वो भी उतने अनसेफ हैं जितने कि बाकी पटाखे हैं। जैसे अनार है, उससे आँखों में और हाथ में बहुत इंजरी होती है। फुलझड़ी से जो गर्म उसकी फुलझड़ी की रॉड है वो किसी को लग सकती है, किसी के पैर में लग जाती है, ये बहुत ही कॉमन इंजरी हैं। अभी आप देखेंगे कि पिछले कई सालों से सरकार ने पटाखों का बैन कर दिया है बड़ों की निगरानी में, और ब्रांडेड और सेफ पटाखे और इधर उधर के जो हल्के इम्पोर्टेड या कुछ ऐसे पटाखे हैं जिनमें कुछ ब्रांड उनको आइडेंटिफाई नहीं होता है, सस्ते के चक्कर में उनको ना लें। रॉकेट जो है सडनली किसी घर में घुस जाता है, पर्दे में घुस जाता है, और लोग अब सोसाइटियों में भी मनाते हैं समीकरण, तो उनके लिए क्या प्रिकॉशन बरतते हैं? देखिए, रॉकेट का ऐसा है कि रॉकेट एक ऐसी चीज़ है जो कि एक स्पीड से जाती है और डायरेक्शन की सारी बात है। प्रॉपर खाली हवा में डायरेक्शन आप रखेंगे जहाँ पे वो डाइवर्ट नहीं हो सकता किसी चीज़ से टकरा के, और छोटे बच्चों को कभी कभी डायरेक्शन का आइडिया नहीं होता। बोतल कभी छोटी होती है, कभी बड़ी होती है, उसे भी लोगों को आइडिया लगता है। कुछ लोगों को शौक होता है उसको सीधा करके चलाने में, उल्टा करके चलाने में, या उसके साथ कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें कुछ बांध देते हैं, कुछ हैवी चीज़ बांध देते हैं तो उससे डाइवर्ट हो जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है, और पटाखे में उसकी विधि भी मैंशनड होती है, तो उसी विधि से उसको बड़ों की निगरानी में अगर हम सेफली को जलाएंगे तो ऐसा कुछ इशू नहीं है उसमें, प्रोवाइडेड हम सेफ्टी से उसे जलाएं। आग लग जाए तो इमीडिएटली फर्स्ट एड के एंगल से, पानी रहता है तो इमीडिएटली हमको पानी उस पर अप्लाई करना चाहिए जहाँ पे बर्न होता है, उससे बर्न की इंजरी, बर्न की डेप्थ कम हो जाती है। जलने के बाद क्या करें, कितने देर तक पानी में रखना चाहिए और क्या करना चाहिए? देखिए, जलने के बाद जो पानी में रखने का है, तो अगर माइनर बर्न है जिसे कहते हैं कि थोड़ा बहुत जला है, तो हम एडवाइस होती है 20 मिनट आप पानी के कॉन्टैक्ट में रखें। ठंडे पानी की एडवाइस हम नहीं देते हैं, हम नॉर्मल पीने जो पानी आप पी सकते हैं उसी को हम एडवाइस करते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे दीपावली में? संदेश है, खुशियों का त्यौहार है और आपके घरों में खुशियाँ आएँ और आप अच्छे से एंजॉय करें, लोगों से मिलें और परिवार के साथ रहें। लाइट्स का त्यौहार है, और लाइट में भी ध्यान रखें कि लोकल
जो लाइट्स है उसमें करंट बहुत लगता है और उससे भी बहुत इलेक्ट्रिकल बर्न होते हैं, और अच्छे से मनाइए। कैमरामैन हरविंदर सिंह के साथ नितिन सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। दिवाली के मौके पर महफूज रहें, अपनी और अपने प्यारों की देखभाल करें। और धनतेरस की बात करते हैं। धनतेरस के मौके पर हफ्ते को बाजारों में चारों तरफ लोगों का काफ़ी हजूम नजर आया। अगरचे धनतेरस का मुहूर्त शाम 6 बजे से बताया गया था, लेकिन लोग दिन भर खरीदारी करते रहे। दारुलहुकूमत दिल्ली में भी धनतेरस के मौके पर लोगों ने ज़बरदस्त खरीदारी की। हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने बाजारों में खरीदारी का जायजा लिया। धनतेरस पर बाजारों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के सदर बाजार के डिप्टीगंज के बर्तन बाजार में। यहाँ पर काफी संख्या में लोग बर्तन खरीदते नजर आ रहे हैं। कुछ व्यापारिक वर्ग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है इस बार? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। पिछले 2-3 साल से कोरोना की वजह से रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं था, और इस बार बहुत अच्छी बिक्री चल रही है हम लोगों की, और खरीदार भी यहाँ पे पूरा बाजार भरा पड़ा है। यहाँ पे धनतेरस को लेकर लोग किस चीजों को देखो, ये धनतेरस के ऊपर बर्तन खरीदना बड़ा शुभ माना जाता है, और बाकी भाई कंपनियों वाले भी बहुत आ रहे हैं यहाँ पे, जो राइस पलटा है, कटोरी है, गिलास है, चम्मच है, ये सब खरीद रहे हैं लोग। हमारे बुजुर्ग भी कहते थे भी धनतेरस पे बर्तन, चांदी का सामान, सोने का सामान लेना ही लेना है। कुछ ग्राहक हमारे साथ हैं, बात करते हैं। मैडम, किस तरह खरीदारी होने आए हैं आज? धनतेरस के मौके पे आना हुआ है मार्केट में, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बर्तन भी इतने सुंदर सुंदर है, ये कितना सुंदर पीस लग रहा है, देखने में लगेगा कितना कॉस्टली है, बट बहुत नॉर्मल रेट में है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। धनतेरस पे हम लोग अपने घर के लिए बर्तन खरीदने आए हैं, जो शुभ माना जाता है, तो आप सभी भी अपने घर के लिए बर्तन खरीदें। यहाँ पर थोड़े सस्ते मिलते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे बर्तन लेने आए हैं। आप कितने उत्साहित हैं आज? आज बहुत उत्साहित हैं, बहुत उत्साहित हैं, बर्तन खरीदने आए हैं यहाँ पे। आज धनतेरस है, शुभ दिन है आज का। धनतेरस पर लोगों ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार खरीदारी की। किसी ने सोना, तो किसी ने चांदी, तो किसी ने बर्तन खरीदकर धनतेरस का त्यौहार मनाया। कैमरामैन गोपाल दास के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिवाली के मौके पर लोगों में जबरदस्त जोश और खुशी का माहौल। और आइए बात करते हैं पीएम आवास योजना की। हर शहरी की छत हो, इस मकसद को हासिल करने के लिए मरकजी हुकूमत मिशन मोड में काम कर रही है। इसी सिलसिले के तहत मध्य प्रदेश के सतना में गृह प्रवेशम प्रोग्राम के तहत 4.5 लाख मुस्तफिदीन को अपने घर का ख्वाब पूरा होता दिख रहा है। वर्चुअल तरीके पर इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि 35,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से तकरीबन 29 लाख मकानात की तामीर का काम मुकम्मल हो चुका है। गरीबों की फलाह के लिए वक्फ मरकज की मोदी सरकार का 4.5 लाख से ज्यादा गरीबों को ये दिवाली का खास तोहफा है। अपने घर का ख्वाब देखने वाली आंखों में नई रोशनी वाला ये मौका हफ्ते को तब आया जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तकरीबन 4.5 लाख मुस्तफदीन को घर अता किए। धनतेरस के मौके पर सतना में मुनक़िद इस शानदार तकरीब में पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से जुड़े। वजीर आजम ने अपने खिताब में एक बार फिर से दोहराया कि उनकी सरकार गरीबों की फलाह के लिए वक्फ है। एक समय था जब धनतेरस सिर्फ वही लोग गाड़ी और घर जैसी बड़ी और महंगी संपत्ति खरीद पाते थे, जिनके पास संसाधन होते थे, पैसे होते थे, उन्हीं के लिए धनतेरस होती थी। लेकिन आज देखिए, देश का गरीब भी धनतेरस पर गृह प्रवेश कर रहा है। मैं मध्य प्रदेश की उन लाखों बहनों को आज विशेष बधाई देता हूं जो आज अपने घर की मालकिन बनी हैं और लाखों रुपयों के बने घर आपको लखपति बना दिया है। मुल्क के हर शहरी को सभी बुनियादी सहूलियात से लैस उसका खुद का घर मुहैया कराने की सिमत में मोदी सरकार ने हैरान कुन सतह और तेज रफ्तार से काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में अब तक तकरीबन 38 लाख मकान मंजूर किए गए हैं। इसी सिमत में काम की तेजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 35,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से तकरीबन 29 लाख मकानों की तामीर का काम पूरा किया जा चुका है। हमारी सरकार का सौभाग्य है कि बीते 8 वर्षों में वो पीएम आवास योजना के तहत
3.5 करोड़ गरीब परिवारों की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई है। हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों की है, इसलिए गरीब की इच्छा, उसके मन, उसकी जरूरतों को सबसे ज्यादा समझती है। हमारी सरकार जो घर देती है ना, उसमें बाकी सुविधाएं भी साथ होती हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पिछली सरकारों और अपनी सरकार के काम करने के तरीके में बुनियादी फर्क को नुमाया किया। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार खुद गरीबों के पास पहुंच रही है। देश की एक बहुत बड़ी आबादी इन्हीं मूल सुविधाओं के लिए संघर्ष करती थी, उसके पास बाकी चीजों के बारे में सोचने की फुर्सत भी नहीं थी। इसलिए गरीबी हटाने के हर वादे, हर दावे, वो सिर्फ राजनीति के दाव हुआ करते थे, वो किसी के काम नहीं आए। इसलिए हमने गरीबी को परास्त करने के लिए, गरीबी से बाहर निकलने के लिए, हमने उन मूल सुविधाओं से देश के हर नागरिक को तेजी से जोड़ने का निश्चय किया। अब सुविधाओं से युक्त होकर गरीब तेजी से अपनी गरीबी कम करने के लिए प्रयास कर रहा है। मोदी सरकार की अहम और खास स्कीमों में शामिल प्रधानमंत्री आवास योजना सभी के लिए आवास के अज्म को सामने रखकर चलाई जा रही है। इस स्कीम के तहत तेजी से घरों की तामीर का काम जारी है। ऐसे में बेघर गरीब खानदानों की जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब सरकार की इस पहल से हकीकत में बदल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राय रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भारतीय जवान दिवाली मना रहे हैं। इस दौरान घर से दूर फौजियों के अंदर जबरदस्त जोश और खरोश का माहौल है। इस मौके पर फौजियों ने पूजा की और चिराग रोशन किए। फौजियों ने भजन भी गाया और आपस में मिठाइयां तकसीम की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने हफ्ते की देर रात तकरीबन 12:07 पर अपना सबसे भारी रॉकेट कामयाबी के साथ लॉन्च किया। इस रॉकेट के जरिए 36 ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सियारचों पर अपनी कमर्शियल सियारचा लॉन्च किया गया है, जिसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन खलाई मरकज से लॉन्च किया गया। इसरो का ये रॉकेट LVM-3 एक निजी कम्युनिकेशन फर्म वन वैप के 36 सियारचों को ले जा कर गया है। LVM-3M2 मिशन इसरो की कमर्शियल शाख मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए पहला वक्फ तजारती मिशन था। मुल्क भर में आज सातवां यौम आयुर्वेद बड़े ही पैमाने पर मनाया जा रहा है। मुल्क में तिब के कदीम तरीन निज़ाम को फ़रोग देने के मकसद से धनवंतरी जयंती को साल 2016 से यौम आयुर्वेद के तौर पर मनाया जाता है। इस अहम तकरीब का अहतमाम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया। इस प्रोग्राम में आयुष के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल, कबायली उम्र के मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा, उमूर खारजा सकावत की वजीर ममलिकत मीनाक्षी लेखी, आयुष के वजीर ममलिकत एस मंचब्रा, महेंद्र भाई और कई दीगर सरकर्दा शख्सियात शिरकत कर रही हैं। इस साल मुख्तलिफ ममालिक में कायम भारतीय मिशन और सिफारत खानों में भी तकरीब का अहतमाम किया जाएगा। इस साल के आयुर्वेद डे की थीम है हर दिन हर घर आयुर्वेद। इसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आयुर्वेद के फवायद से आगाह करना है। और अब बात करते हैं वज़ीर आज़म का नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम छत्तीसगढ़ के कोरबा में लोगों के लिए एक नेमत से कम साबित नहीं हो रहा है, जो मुल्क के कई अजला में से एक है। तरक्की की राह में पसमानदगी के शिकार ज़िले में तरक्याती प्रोग्रामों का असर ज़मीन पर नज़र आने लगा है। सेहत के शुबे में गुर्दे के मरीज़ों के मुफ्त इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डायलिसिस मशीन लगाई गई हैं, जिनकी वजह से यहाँ के गरीब लोग काफ़ी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। पेश है रिपोर्ट। मरकजी सरकार की प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस योजना आदिवासी अक्सरती ज़िला कोरबा के लोगों के लिए एक तोहफा साबित हो रही है। कोरबा के इंदिरा गांधी ज़िला अस्पताल में इस फलाही स्कीम के तहत किडनी के मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए डायलिसिस मशीन लगाई गई है। कोरबा कलेक्टर के मुताबिक किडनी की बीमारी के इलाज के लिए डायलिसिस एक खर्चीला इलाज है। आदिवासी अक्सरती वाले कोरबा ज़िले में ज़्यादातर आबादी गरीब है। ऐसे में मरकजी सरकार की प्रधानमंत्री डायलिसिस योजना के तहत कोरबा ज़िला अस्पताल में
7 डायलिसिस मशीन लगाई गई हैं, जिससे जिले के जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सहूलत मुहैया की जा रही है। डायलिसिस एक खर्चीली प्रक्रिया होती है जो हमारे कोरबा जैसे जिले में जो कि ट्रैवल पॉपुलेशन है, जहां वन आच्छादित है और आकांक्षी भारत सरकार के आकांक्षी जिले कार्यक्रम में भी है, तो यहां ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं, उनके लिए बहुत ये महंगी खर्चीली चिकित्सा पद्धति है जिसका कि वो प्राइवेट में बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में इस योजना के तहत 7 डायलिसिस मशीन हमारे जिला अस्पताल में लगाई गई है और उसमें जो गरीब लोग हैं उनको निःशुल्क वहाँ पर डायलिसिस सुविधा हो रही है। खास अहमियत वाला जिला होने की वजह से कोरबा में मरकजी सरकार की कई तरक्याती स्कीमें चल रही हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस प्रोग्राम के तहत कोरबा के जिला अस्पताल में डायलिसिस सेंटर खुलने के बाद अब तक हजारों किडनी के मरीज मुफ्त में डायलिसिस की सहूलत से फायदा उठा चुके हैं। पहले बिलासपुर जाते थे डायलिसिस कराने, अब हम लोगों को यहीं डायलिसिस होता है कोरबा में, और यहाँ के सर लोग खुद फोन करते हैं, बुलाते हैं और बढ़िया सा व्यवहार करते हैं। पहले अपोलो में कराते थे, बिलासपुर दौड़ना पड़ता था और वहाँ उसका अमाउंट वगैरह पेमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा था, ऊपर से फिर यहाँ आगे बगल में निहारिका, तुरंत यहाँ लाके अपना डायलिसिस करा के फिर तुरंत लेके चले जाते हैं। पहले हम रायपुर जाते हैं, बिलासपुर जाते हैं तो खर्चा ज़्यादा हुआ था, इसे तो कोरबा में जैसे हुआ थे ना 100 बेड में, तो हम अल्लाह बड़ा सुविधा हा भाई। हमारे यहाँ विगत 2 वर्ष से ये डायलिसिस की सुविधा चल रही है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत चल रहा है। इसमें डायलिसिस कराने के लिए हमारे यहाँ से आसपास के 20-25 किलोमीटर के दायरे के दूर दराज से लोग आते हैं। गौरतलब है कि डायलिसिस मरीजों के इलाज में आने वाली माशी रुकावटों को दूर करने के लिए मरकजी सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसकी वजह से पिछड़े हुए कोरबा जिले में मुफ्त सेहत सहूलियात का फरोग हुआ है और लोग अब आसानी से इलाज करा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बात करेंगे इफ्फी की। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के इंडियन पैनोरामा के लिए 25 फीचर फिल्मों और 20 गैर फीचर फिल्मों के इंतखाब का ऐलान किया गया है। मुंतखब फिल्में 20 से 28 नवंबर 2022 को गोवा में मुनक्द होने वाले 53वें बैन अलावामी फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएंगी। हिंदी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को भी फीचर फिल्म के जुमरे में दिखाया जाएगा। इंडियन पैनोरामा 1978 में शुरू किया गया था। पैनोरामा की शुरुआत भारतीय फीचर फिल्म हैंडीलेंटो से होगी, जबकि ओपनिंग भारतीय नॉन फीचर फिल्म द शो मस्ट गो ऑन होगी। और अब बैन अलावामी खबरें। इसराइल और फिलिस्तीन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान इसराइली पुलिस ने फिलिस्तीनी शहरी को कत्ल के इल्ज़ाम में हलाक कर दिया है। पुलिस का इल्ज़ाम है कि मुलजिम ने एक इसराइली नौजवान पर चाकू से हमला किया था, जिसके बाद एक सर्च ऑपरेशन में मुलजिम को मशरकी यरूशलम के शकर जराह के इलाके में हलाक कर दिया गया। अक़वामे मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइल और फिलिस्तीन के दरमियान हालिया महीनों में तनाज़ा काफ़ी बढ़ गया है। काबिल ज़िक्र है कि इसराइल और फिलिस्तीन के दरमियान तनाज़े में सैकड़ों शहरी भी हलाक हो चुके हैं। ईरान में हिजाब को लेकर मुजाहरों का सिलसिला जारी है। ईरानी कुर्द महसा अमीनी की हलाकत के बाद से मुजाहरों में काफ़ी शिद्दत आ गई है। इन मुजाहरों में कई हलाकतों की भी खबरें हैं। हफ्ते को स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में ईरानी हुकूमत के इस रवैये की शदीद मुखालफत की गई। दूसरी जानब यूरोप में भी हफ्ते को ईरान मुखालिफ मुजाहरों में एकजहती दिखाते हुए लोगों ने बड़े पैमाने पर मार्च किया। उधर यूक्रेन में रूस के हमलों से बिजली ग्रिड और दीगर बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन में बिजली का ग्रिड तबाह होने से बिजली का बुरान मजीद गहरा हो गया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमिर ज़ेलेंस्की ने लोगों पर जोर दिया है कि वो बिजली के बुरान के सबब तवानाई के खर्च में कमी करें। वहीं यूक्रेन की फिजाइयों में एक बयान में कहा गया है कि रूस ने अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते हुए एक बड़ा मिज़ाइल हमला किया है। इसके साथ ही यूक्रेन में रूसी हमायत याफ्ता अथॉरिटी ने लोगों को खैरसान शहर खाली करने का हुक्म दिया है। रूस की इंतजामिया ने इसके लिए कई से गोलीबारी और हमलों के खतरों का हवाला दिया है। और नाज़रीन एक नज़र डालेंगे दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात पर।
दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात में जो पहली खबर ली है हमने, वो है रोज़नामा इनकलाब से, और यह है वज़ीर आज़म ने 75,000 तकर्री नामे तकसीम किए। नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम करने के लिए मरकज़ी हुकूमत मुख्तलिफ महाज़ पर काम कर रही है। मोदी सरकार ने रोज़गार मेले को लोगों के अंदर फ़रोग देने के लिए 75,000 तकर्री नामे तकसीम किए। और अगली खबर है मध्य प्रदेश से, यहाँ पर एक बहुत ही दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 15 मजदूर हलाक हो गए हैं। वज़ीर आला योगी ने हलाक शुदगान के वर्षा को 2-2 लाख रुपए और शहीदी जख्मियों को 50,000 रुपए माली इमदाद देने का ऐलान किया है। अगला अखबार जो हम ले रहे हैं वो है राष्ट्रीय सहारा, और इसमें भी सरकारी मुलाजमतों में जज्बा खदमत सबसे ऊपर होना चाहिए। हिंदुस्तान को आलमी मसाइल से बचाने के लिए नई पेशरफ्त, 75,000 तकरीर नामे तकसीम करने के बाद रोज़गार मेले से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब को सुर्खी बनाया गया है। इसके अलावा जो एक सुर्खी बनाई है वो है ख़त्म होंगे 1500 से ज़्यादा पुराने कवानीन, किरण रिजिजू का बयान। तो ये थे आज के उर्दू अखबारात, और आइए अब रुख करते हैं खेल के खबरों का। ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 में पहले राउंड का मैच मुकम्मल होने के बाद सुपर 12 के मैच शुरू हो गए हैं। शायकीन क्रिकेट को जिसका इंतज़ार था वो तकरीबन ख़त्म हो गया। आज खेले जाने वाले सुपर 12 मरहले में भारत और पाकिस्तान अपने पहले मैच में आमने सामने होंगे। इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का ये पहला ही मैच है। और अब वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।